मॉर्निंग चैप्टर्स वी रीड अबाउट चैप्टर नंबर 5 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं, जहाँ पर बताया जेंडर इनइक्विटी। यहाँ पर जेंडर के इनइक्विटी बताई गई है, तो जेंडर पे डिफरेंस तो है गर्ल और चाइल्ड, लेकिन ये नेचुरल है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस बनाए गए हैं जो कि सही नहीं है, जो हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में, पब्लिक प्लेसेस पर जनरली देखे जाते हैं, यहाँ तक कि कई फैमिलीज में भी देखे जाते हैं कि किस तरीके से जो गर्ल चाइल्ड है उसके बर्थ पर जो है खुशी नहीं मनाई जाती और बॉय चाइल्ड के बर्थ पर जो है खुशी मनाई जाती है, और कई बार तो गर्ल चाइल्ड को जन्म होने से पहले ही मार दिया जाता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में सारी इनइक्विटीज के बारे में बताया गया है जो कि हमें फेस करना पड़ती है, जो कि गर्ल्स को फेस करना पड़ती है अलग अलग जगहों पर, जैसे फैमिली है, कम्युनिटी है, स्कूल से, पब्लिक प्लेसेस से, या इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर भी हमें फेस करना पड़ती है। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमें चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। जेंडर इज अ सोशल कॉन्सेप्ट, जेंडर एक सोशल कॉन्सेप्ट है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में भी हमने देखा है कि जेंडर तो नेचुरली है, या तो फीमेल या मेल, इस तरीके से है। तो गर्ल इन यूएसए ट्रीटेड द डिफरेंटली इन द इंडियन सोसाइटी, वहां अलग तरीके से ट्रीट होता है यहाँ पर यहाँ पर उनसे अच्छी कंडीशन है, लेकिन फिर भी बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन जो है वो फेस करनी पड़ती है। जो डिफरेंसेस है जेंडर का वो नेचुरली है, लेकिन हमारे यहाँ जो डिफरेंसेस है वो है कैपेबिलिटी पर, टैलेंट पर, चॉइस पर, बिटवीन द मैन एंड वुमेन, जो कि मैन एंड वुमेन को अलग अलग बनाती है। ठीक, दिस इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, लेकिन सोशल कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत सारी कॉन्सेप्ट लेकर आता है जो कि इनको अलग अलग करता है। तो कई केस स्टडी से हमको पता चलता है कि ये चीज तो नेचुरल है, लेकिन जो अदर जो लोग हैं जो कि ये डिफरेंस मानते हैं वो उनके माइंडसेट कर लिया उन्होंने कि गर्ल को ये करना चाहिए, बॉयज को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सब व्यक्ति की सोच पर डिपेंड करता है, ये वही डिफरेंस है। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट, यदि कॉन्सेप्ट देखें तो सोशल एस्पेक्ट दिया है सबसे पहले हमको, जिसमें फैमिली, कम्युनिटी और स्कूल लेवल पर या पब्लिक प्लेसेस पर किस तरीके से गर्ल्स को ट्रीट किया जाता है वो बताया। तो सबसे पहले बता दें फैमिली के बारे में, तो फैमिली में इनइक्विटीज जो है सबसे पहले अराइज होती है। जैसे ही कोई गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तो पेरेंट्स और इंडियन सोसाइटी के वो इतने खुश नहीं होते जितने कि बॉय चाइल्ड के बर्थ होने पर होते हैं। वो जब बच्चा पैदा नहीं होता है उसी के पहले सपोज करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके यहाँ बॉय चाइल्ड जो है वो बर्थ ले। सन एंड डॉटर आर द स्टिल ट्रीटेड डिफरेंटली, कई फैमिली जो है उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है। उनका मानना होता है कि गर्ल चाइल्ड जो है उसको डोमेस्टिक वर्क जो है वो सीखना चाहिए, उसकी मदर जो है उसके हाउस होल्ड में वर्क कर में हेल्प करनी चाहिए, है ना, और वो होम मेकर जो है बनना चाहिए। ये भी इनइक्विटी है, क्योंकि जो मेल चाइल्ड होता है, जो बॉय होता है, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, उसको बाहरी दुनिया की समझ होनी चाहिए, ये माना जाता है। तो इस तरीके से फैमिली से ही ये डिफरेंसेस जो है वो शुरू हो जाते हैं। फिर आते हैं हम कम्युनिटी में। यदि कम्युनिटी की बात करें तो वैसे तो हमारा जो धर्म है, हमारा जो कल्चर है, उसने दुर्गा, काली, सरस्वती को पूजने की शिक्षा दी है कि जो वुमेन्स है उनकी पूजा करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। बट द अदर हैंड दूसरी तरफ गर्ल चाइल्ड को बर्थ देने के पहले ही उन्हें मार दिया जाता है, या फिर कोई वुमेन यदि गर्ल चाइल्ड को बर्थ देती है तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उसे पसंद नहीं किया जाता, उसकी खुशियां नहीं मनाई जाती है। ये जो कम्युनिटी है उसने डिफरेंसेस बनाए हैं, है ना। वही देखा गया है कि ये जो थिंकिंग है पर्टिकुलर फैमिली पर डिपेंड करती है कि वो बॉय गर्ल पर डिफरेंसेस रखते हैं या नहीं। ठीक है, अ गर्ल चाइल्ड कंसीडर्ड एज अ लायबिलिटी, माना जाता है कम्युनिटी में कि गर्ल चाइल्ड हुई है तो एक लायबिलिटी है, इन्हें उसकी शादी तक उसको संभालना है और उसके बाद उसको सौंप देना है किसी और, है ना, उसे पराया धन माना जाता है। सेवरल प्लेसेस पर जाने पर उसके रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं कि यहाँ नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, इस तरीके से उसके साथ बिहेव जो है किया जाता है। स्कूल्स की बात करें तो कई लोगों की नैरो माइंडेड थिंकिंग होती है जो कि फीमेल को एजुकेटेड नहीं कराते, एजुकेशन प्राप्त ही नहीं कराते, है ना, उन्हें पहले से ही वीक बना दिया जाता है, स्टडी जो है नहीं कराई जाती है, और फीमेल चाइल्ड हाउस होल्ड वर्क सिखाया जाता है, है ना। कुछ फैमिलीज अच्छी होती हैं, कुछ ब्रॉड माइंडेड पर्सन होते हैं, तो वो ये इसके अगेंस्ट क्या करते हैं, हाउस होल्ड वर्क सिखाने की जगह जो है एजुकेशन जो है वो अचीव कराते हैं। द
द रीजन गर्ल आइदर नॉट सेंट टू स्कूल विथड्रॉ फ्रॉम द स्कूल, और कई स्कूल भेजते भी हैं तो उसकी पढ़ाई पूरे होने के पहले ही उसको कंप्लीट होने के पहले उसकी पढ़ाई जो है छुड़वा दी जाती है। फिर पब्लिक प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन है ना। पार्क में देखिए, गार्डन में देखिए, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट में देखिए, तो यदि वहाँ अकेले लड़की जाती है तो अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरीके से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वहाँ पर अलग क्यू बनाई जाती है। माना जाता है कि इससे ये माना जाता है कि लेडीज जो है वो उनकी कन्वीनियंट के लिए किया गया है, लेकिन ये एक कंसिडरेशन देता है कि मेन जो है वो पावरफुल है, स्ट्रांग है, और वुमेन जो है वीक है। इस तरीके से हमने चारों सेक्शंस देखे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है भेदभाव किया जाता है। फिर एक स्टोरी दी हुई है आपकी बुक में, है ना, गोपाल और उस वाइफ, हिज वाइफ, वो एक विलेज में रहते हैं, शांतिपुर नाम है जिसका। जब गोपाल की वाइफ एक फर्स्ट बर्थ देती है किसी चाइल्ड को, तो बहुत ही फीमेल चाइल्ड, एक गर्ल, तो कोई भी लोग जो है इतने खुश नहीं होते, ना ही सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन उस चाइल्ड का नाम जो है राधा रखा गया, और जब वो 4 ईयर्स की होती है तो फिर से गोपाल की वाइफ जो एक और बच्चे को जन्म देती है जो कि बॉय होता है, ठीक है। सब खुशियां मनाते हैं और उसका नाम गोविंद रखा जाता है। राधा को स्कूल नहीं भेजा जाता है, उसे घर का काम सिखाया जाता है और वो उसकी माँ के साथ हेल्प करती है, जबकि गोविंद को स्कूल भी भेजा जाता है और सारी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है, है ना। राधा को बाहर जाने पर रेस्ट्रिक्शन है, जबकि गोविंद फ्रीली बिना रेस्ट्रिक्शन के अपनी लाइफ जो है जी रहा है। कुछ सालों बाद राधा की शादी कर दी गई एक अनएम्प्लॉयमेंट ड्रंकर से, है ना, और बाद में उसे अपने लाइवलीहुड के लिए क्या करना पड़ा, डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह जो है वर्क करना पड़ा। तो इस तरीके से जो है डिफरेंसेस होते हैं। अब देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द इनइक्वालिटी। अभी हमने इनइक्वालिटी तो समझ ली यहाँ पर, है ना, लेकिन इन प्लेसेस पर भी होती है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स देखें और ये इकोनॉमिक सोशल एस्पेक्ट्स देखें और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स देखें, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए। सबसे पहले देखते हैं सोशल एस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द बायोलॉजिकल डिफरेंस। ये तो बायोलॉजिकल डिफरेंस है कि मैन या वुमेन फैमिली में होना जरूरी है। यदि मैन और वुमेन फैमिली में नहीं होंगे तो नए बच्चे का बर्थ नहीं हो सकता, ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, ये जरूरी है, है ना, उसके बिना फैमिली कंप्लीट नहीं हो सकती है। इन द सोसाइटी सर्टेन काइंड ऑफ लेबर्स, हम सोसाइटी में भी देखते हैं कि वुमेन्स को सर्वेंट की तरह जो है लो वेजेस पर वर्क किया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है, और वही वर्क के लिए मेन को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, और मेन को जो है ब्रेव समझा जाता है, उसकी अलग क्वालिटी है, उसे ब्रेव माना जाता है, कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ मानी जाती है। लेकिन फीमेल की भी अपनी कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे क्वालिटी ऑफ द सेंसिटिविटी, है ना, शाइनेस, फेमाइनिस क्वालिटीज, इन्हें वीकनेस समझा जाता है, जबकि ये उसकी वीकनेस नहीं है, ये उसकी पर्सनल क्वालिटीज है, है ना, क्योंकि ये बॉय और गर्ल में जो है अलग अलग होती है। वुमेन कंसिडर्ड टू द मैनुअल वर्क वीक, उसे वीक समझा जाता है, जबकि वो हैवीएस्ट वर्क भी करती है। धीरे धीरे आजकल देखा जाए तो कंट्री में हर एरिया में जो है कुछ फैमिलीज गर्ल जो है वो क्या कर रही है, हर लेवल पर वर्क कर रही है, हर तरीके से वर्क कर रही है। आजकल वुमेन्स जो है वो एस्ट्रोनॉट भी है, गर्ल्स, है ना। तो ऐसी फैमिलीज जहाँ के जहाँ पर गर्ल और बॉयज में डिफरेंसेस नहीं किया जाता है, वहां पर दोनों इक्वल लेवल पर वर्क जो प्रोग्रेस अपनी अपनी कर रहे हैं। यदि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स देखें तो इन द सोसाइटी मेन के वर्क को प्रेफरेंस दी जाती है, प्रॉपर्टी भी पूरी उसी की होती है, गर्ल्स की इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। वुमेन्स प्रोडक्टिविटी विद इन द हाउस होल्ड, माना जाता है कि वुमेन्स को हमेशा हाउस होल्ड वर्क देखना चाहिए और मेन को जो है आउटसाइड वर्क जो है वो देखना चाहिए। डोमेस्टिक वर्क जो है वो गर्ल का होता है और जॉब करना जो है वो बॉयज का वर्क माना जाता है, है ना, और यदि वो जॉब करती भी है तो कंपेरिजन उसको कम जो है वेजेस या सैलरी जो है प्राप्त होती है। मोबिलिटी ऑफ वुमेन इज रेस्ट्रिक्टेड, वुमेन्स के घूमने पर भी रोक लगाई गई है, उसे यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, है ना, उसे एक प्रोडक्टिव रिसोर्सेस बना लिया गया है। इवन द फैमिलीज जहां पर प्रॉपर्टी शेयर्स नहीं की जाती है, लेकिन आजकल उसका हस्बैंड जो है वही देखेगा, उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में उसका कोई भी शेयर नहीं होगा, और वुमेन लेबर जो होती है उनको भी मेल से कम वेजेस दी जाती है पहले। फिर ये एक्ट बनाया गया जो है 38, उसके बाद जो है अब मेल और वुमेन को इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। फिर देखते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है द मूवमेंट स्टार्टेड बाय द फीमेल्स, ये फीमेल्स की तरह स्टार्ट किया गया मूवमेंट है, जहां पर वुमेन्स को
खिलाने के लिए जो एक मूवमेंट चलाया जा गया था, जैसे राइट टू वोट हमारे यहाँ तो शुरू से ही है, पर कई ऐसे कंट्रीज जहाँ पर राइट टू वोट वुमेन्स को नहीं था। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वुमेन्स का डेवलपमेंट, उनको पावरफुल बनाना, उनको उनका राइट्स, उनकी कई तरीके की फैसिलिटीज वो दिलाना, राइट टू इक्वलिटी, अकॉर्डिंग टू द राइट टू इक्वलिटी वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स तो दिलाना, मेल और फीमेल इक्वल होना चाहिए, इक्वल वेजेस होनी चाहिए इक्वल वर्क के लिए, है ना, रिजर्वेशन होना चाहिए एजुकेशन में भी, अदर पॉलिसीज में भी, ट्रांसपोर्ट में भी। नाउ डेज सेक्स डिटरमिनेशन बिफोर द चाइल्ड बर्थ इज क्राइम, यदि बच्चे का जन्म लेने के पहले आप उसका लिंग परीक्षण करवाते हैं तो अब ये क्राइम बन चुका है, ठीक है, और इसके लिए सजा भी है। गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए या वुमन एम्पावरमेंट के लिए जो बेटी बचाओ अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना है, इस तरीके से फीमेल्स के डेवलपमेंट के लिए बनाई है। और फीमेल हैव द राइट टू प्रॉपर्टी, फीमेल को अब प्रॉपर्टी पर भी राइट्स मिल गया अपने पेरेंट्स के। यदि हम जेंडर जो चैप्टर देखा तो हमने सोशल एस्पेक्ट भी देखा और इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखा, जो कि मैं अभी पढ़ा, मैंने बताया आपको, तो इस तरीके से हमने सोशल एस्पेक्ट भी देखा था और यहाँ पर भी देखा कि किस तरीके से सोसाइटी में इसको ट्रीट किया जाता है और जो है इकोनॉमिक लेवल पर भी इसको किस तरीके से अफेक्ट किया जाता है। फिर मूवमेंट देखा, वुमेन एम्पावरमेंट देखा, इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी योजनाएं भी चलाई, और यहाँ पर होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।